महाकाव्ये तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकाव्ये तथागत बुद्ध द्वारा दिए सो आख्या धर्म को त्रिवार वंदना। महाकाव्ये तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष संदेशना कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिका। महाकारुणी तथागत बुद्ध कहते हैं, सब दानं धम्म दानं जिनादि। जितने भी यहाँ दान है, जो भी यहाँ दान करते हैं, सारे दानों को धम्म दान जीतता है। जो हम धम्म की बातें बताते हैं, जो हम धम्म की बातें देशना करते हैं, ये धम्म दान सभी दानों में उत्तम रहता है। सब रसं धम्म रसो जिनाति। जितने भी यहाँ रस है, ये खाने में अच्छा है, वो खाने में अच्छा है, अनेक प्रकार के जो रस मिलता है, उनमें से ये धम्म रस श्रेष्ठ रहता है। सभी रसों को धम्म रस जीता है। जो व्यक्ति धम्म का रस आस्वाद करता है, बाकी सारे रस फीका रहता है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, सब रति धम्म रति जिनाति। दुनिया में अनेक आमोद प्रमोद रहता है, अनेक खेल कूद रहता है, इसमें मजा आता है, उसमें मजा आता है। तथागत बुद्ध कहते हैं, ऐसे सारे रतियों को धम्म रति जीतता है, मतलब धम्म रति सबसे श्रेष्ठ और उत्तम रहता है। तन्न खयो सब दुखं जिनाति। अगर हमारे मन के तृष्णा क्षय हो गया, अगर हमारे मन का तृष्णा खत्म हो गया, तो सभी दुखों को जीतता है, मतलब सभी दुखों से मुक्त होता है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध, सब दानं धम्म दानं जिनादि। दान देना है, दान देना पुण्य है, धम्म है, पर सभी दानों में धम्म दान श्रेष्ठ है। इसलिए जो हम धम्म की बातें बताते हैं, जो धम्म देशना करते हैं, ये भी दान है और बहुत बड़ा दान है। तथागत बुद्ध ने जो कुशल और महाकुशल की बातें बताते हैं, ये महाकुशल दान में आता है धम्म दाना। इसलिए ये जो धम्म दाना और ये धम्म देशना हो रहा है, ये भी बहुत ही दुर्लभ है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के बुद्ध वाणी सुनने को मिलना, क्योंकि एक एक बुद्ध वाणी हमें अच्छे से समझ में आया, अच्छे से पालन किया, तो ये दुर्लभ जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन सफल और सार्थक बन सकता है, धन्य धन्य बन सकता है। इसलिए हमें धम्म की बातें, धम्म देशना खूब अच्छे से सुनना चाहिए, खूब श्रद्धा से सुनना चाहिए, खूब ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। नहीं, ये तो ऐसे ही मिला, ये तो कभी भी मिलेगा, इस तरह से एकदम लाइटली लेना नहीं चाहिए, हल्के के रूप में नहीं लेना चाहिए। कामों की बातें खूब अच्छे से सुनना चाहिए, ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। तो आज हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं कि बौद्ध जगत में ये दान क्या है और दान कहाँ देना चाहिए। दान का सामान्य अर्थ होता है जो अपने पास है वो दूसरों को देना। अपने पास जो है वो भी खुद का होना चाहिए, उसका स्वामी तो मैं खुद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने मेरे पास कुछ दे के रखा और कोई मिल गया वही दे दिया, ऐसा दान नहीं है। दूसरों के चीज वस्तु दूसरों को देना है दान है। खुद का, खुद ने मेहनत करके कमाया हुआ दो चार पैसा ही क्यों ना हो, हाथ खुला करके श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दूसरों को जो हम देते हैं वो दान है। दान में हमेशा श्रद्धा चित्त होना चाहिए, त्याग चित्त होना चाहिए, क्योंकि
और जगत में दान देना तो पुण्य है, दान देना तो धर्म है, पर सिर्फ ज्यादा दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा और कम दान देने से कम पुण्य मिलेगा, ऐसे तथागत बुद्ध नहीं बताते। आप कितना भी दान दो, लाखों करोड़ों खर्चा करके दान दो, मगर आपके मन में श्रद्धा चित्त ही नहीं है, आपके मन में त्याग चित्त ही नहीं है, केवल दिखावे के लिए कर रहे हैं, केवल प्रशंसा के लिए कर रहे हैं, केवल अपने नाम देने के लिए कर रहे हैं, केवल लोगों को हाँ मैं देखो कितना दान करने वाला हूँ ये दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो उसका पुण्य इतना ज्यादा भी नहीं लगता। मगर आप थोड़ा ही दान दे रहे हैं, अपने हैसियत से, अपने क्षमता से थोड़ा ही दान दे रहे हैं, मगर उसमें खूब श्रद्धा चित्त है, खूब त्याग चित्त है, मन में प्रसन्न भाव से आप दान दे रहे हैं, तो उसका पुण्य बहुत बहुत ज्यादा मिलेगा। एक तो दान देने से पुण्य मिलेगा, दान देते ही कुशल कम हो गया, पुण्य मिलेगा, और जो व्यक्ति पुण्य करता है उसको अभी भी बीच में भी अंत में भी सुख शांति मिलेगा, निर्वाण का मतलब हेतु बनेगा, कारण बनेगा। और दान देते ही हाँ, दान देना आसान नहीं है, दान देते ही ये मन के लोभ लालच को भी दमन कर पाएंगे। हमेशा मन में लोभ कितना आता है, ये भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए, अरे वो कितना अच्छा है, वो भी मुझे चाहिए, मेरा होना चाहिए, ऐसा हर सजीव हर निर्जीव वस्तु अच्छे देखते ही मन में ये ख्याल आता है कि ये मेरा होना चाहिए, ये मुझे होना चाहिए, बस ख्याल आया, बाद में खत्म हो गया, भूल गया, शांत संतुष्ट से रहा, तो अच्छी बात है। लोभ लालच बोलने नहीं देता कि अरे वो अच्छा देता था, वो मुझे चाहिए, वो मेरा होना चाहिए, बस यही आसक्ति में जाके वो इंसान दुनिया में ऐसा कोई भी पाप नहीं रहेगा जो वो नहीं करेगा, कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। लोभ में फंसे हुए व्यक्ति वो वस्तु प्राप्त करने के लिए हिंसा भी कर सकता है, चोरी भी कर सकता है, व्यभिचार भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है, दारू नशा सेवन भी कर सकता है, दुनिया में जो जितना भी पाप है सब के सब कर सकता है। इसलिए जहां लोभ लालच है वहां अकुशल है, जहां लोभ लालच है वहां दुख अशांति है। इसलिए ये लोभ लालच को दमन करना, लोभ लालच को शमन करना बोले तो एक ही उपाय है, एक ही मार्ग है, वो है दान देना। देखो हाँ, हम जो अपने पास है वो दूसरों को दे रहे हैं, दूसरों का उपकार होगा, मैं दूसरों के उपकार के लिए दान दे रहा हूँ, हाँ उसका उपकार होगा, इसका होगा, वो होगा, हम ये सोच के दान दे रहे हैं, मगर तथागत बुद्ध सामने वाले का ही कल्याण होगा होगा, कितना होगा होगा, मगर ये खुद के ही कल्याण के लिए तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। हाँ दान देते ही हमें पुण्य मिलेगा, ये फायदा हो गया, दान देते ही लोभ लालच को कम कर पाएंगे, ये फायदा हो गया, और दान देने के बाद सबका प्रिय बनता है, दान देने वाला सबको पसंद आता है। अगर हम लोभी कंजूसी बन के बैठेंगे, कहीं कुछ भी खर्चा नहीं करेंगे ना, कोई हमें पसंद भी नहीं करता, कोई हमारे साथ भी रहना नहीं चाहता। दान देने वाले पशुओं को भी पसंद आता है, इंसानों को तो पसंद आना ही है। इसलिए तथागत बुद्ध खुद के ही कल्याण के लिए दान देना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु सत्तायो, दान श्रद्धा चित्त से देना चाहिए, दान त्याग चित्त से देना चाहिए, मतलब ये दान देने से निश्चित रूप से मेरा कल्याण होगा, मेरा उपकार होगा, इस तरह से दृढ़ विश्वास और श्रद्धा की तरह के दान देना चाहिए। दान में लोभ लालच नहीं होना चाहिए, मैं 100 रुपया दान दे रहा हूँ मुझे 200 रुपये का फायदा मिले, मैं 1 लाख का दान दे रहा हूँ मुझे 1 लाख रुपये बराबर का फायदा मिले, या मैं 1 लाख रुपया दान दे रहा हूँ सबके सामने मेरा जय जयकार हो, प्रशंसा हो, ऐसा हो वैसा हो, ऐसे
हाँ, कुछ प्राप्ति करने के लिए दान देना नहीं है। दान कोई बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है कि इतना मैं खर्चा करूंगा उसके बाद मुझे इतना मिलना उतना मिलना। इसलिए निस्वार्थ भाव से बिना कोई इच्छा रखे लोगों के हित उपकार के लिए दान देते जाना चाहिए, देते जाना चाहिए। जहां जहां मौका मिले वहां वहां दान देते जाना चाहिए। और दान देने से पुण्य तो हो ही गया, कुशल तो हो ही गया, और जो कुशल पुण्य है वो तो खुद का ही हो गया, खुद के लिए आधार भरोसा हो गया। कोई व्यक्ति खाना खा रहे है तो ये कामना करने की जरूरत नहीं है ना कि मेरा भूख मिट जाए, मेरा भूख मिट जाए, मेरा पेट भर जाए। अरे खाना खा रहे है, पेट तो भरना ही है, भूख तो मिटना ही है। हाँ, हम दान दे रहे हैं, कुशल पुण्य तो होना ही है कि मुझे ये हो, वो मुझे ये प्राप्ति हो, वो प्राप्ति हो। ऐसे लोभ लालच नहीं रखना चाहिए, ऐसे हाँ व्यापार जैसा दान कभी नहीं देना चाहिए। इसलिए दान देना पुण्य है, कुशल कर्म है, श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देना चाहिए। दान में 10 रुपये दान देंगे तो 10 रुपये बराबर का पुण्य, 100 रुपये दान देंगे तो 100 रुपये बराबर का पुण्य, 1 लाख रुपये दान देंगे तो 1 लाख बराबर का पुण्य, 1 करोड़ दान देंगे तो 1 करोड़ बराबर का पुण्य। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, दान ये नहीं देखता कि आप कितना क्या दे रहे, दान देखता है आप दान देते समय आपके मन कैसा है, मन में कितना श्रद्धा चित्त है, मन में कितना त्याग चित्त है, मन में कितना प्रसन्नता है, ये तय करता है कि आपका पुण्य कितना होने वाला है। आप लाखों करोड़ दान दे रहे हैं पर सामने वाले को एकदम गुस्सा करके उसमें चिड़चिड़ होके आपको इच्छा ही नहीं फिर भी लोगों को दिखाने के लिए, पर क्या करे हमने कहे तो कहे ऐसे बाध्यता से ऐसे वैसे दान किया तो आपका चित्त प्रसन्न नहीं है ना, कितना पुण्य मिलेगा। पर आप थोड़ा भी दान दे रहे बहुत ही प्रसन्न भाव से श्रद्धा चित्त से क्या चित्त से दान दे रहे तो उसका पुण्य बहुत ज्यादा मिलेगा। इसलिए कहते हैं हाँ, ये बिना श्रद्धा चित्ता बिना त्याग चित्ता हजारों भिक्षु संघ को दान देने से भी श्रद्धा चित्ता त्याग चित्त से 4 भिक्षुओं को दान देना उसका पुण्य ज्यादा रहता है। बिना श्रद्धा चित्ता बिना त्याग चित्ता सोने के महल जैसे विहार बना के दान देने से भी श्रद्धा चित्ता त्याग चित्त से ये छोटा सा मिट्टी का पात्र दान देना उसका पुण्य ज्यादा रहता है। बिना श्रद्धा चित्ता बिना त्याग चित्ता पूरे के पूरे बगीचा दान देने से भी श्रद्धा चित्ता त्याग चित्त से 2 फूल अर्पण करना उसका पुण्य ज्यादा रहता है। कहने का मतलब ये है त्याग चित्त से श्रद्धा चित्त से दान देना चाहिए उसका पुण्य बहुत ज्यादा रहता है। महाकाल ने अब एक कहानी हम देखते हैं। महाकाल में तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में जब से अनाथ पिंडरिक महाजन ने दान दिया हुआ जैतून बुद्ध विहार, विशाखा महाउपासिका ने दान दिया हुआ पूर्वाराम विहार, जब ये दो विहार हो गया तथागत बुद्ध ने धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु के रूप में ये श्रावस्ती में रहे। तो वहां बहुत सारे भिक्षु थे, भिक्षुणी थे और करोड़ों करोड़ उपासक उपासिकाएं थे। उनमें से एक गरीब परिवार था, परिवार में सिर्फ पति पत्नी थे, बहुत दरिद्र बहुत गरीब। हाँ, बिना दूसरों के घर में काम किए खाना पीने मिलता, और गरीब इतना सुबह खाए तो शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई ठिकाना नहीं, शाम को खाना मिला तो सुबह मिलेगा नहीं मिलेगा उसका भी ठिकाना नहीं, हमेशा दूसरों के खेतों में यहाँ वहां काम करके जो मिला उसी से गुजारा करते थे। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह उसके पति दूसरों के खेतों में जाके काम करने गए,
और खेतों में काम करने गए तो उसके पत्नी अभी समय हो गया खाने का, खेतों में काम कर रहे, खूब परिश्रम लगता है, मेहनत लगता है और भूख भी लगता है, तो कुछ तो खाना लेके जाना है, लेके क्या जाऊं, देखा तो कुछ भी नहीं, टूटा फूटा मिट्टी के बर्तन से एकदम, उसमें से थोड़ा 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 करके दो उसमें अटका हुआ जो पीठ था वो जमा करके छोटा सा एक रोटी बनाया। हाँ, अभी वो रोटी बनाने के बाद चलो आज यही रोटी अपने पति के लिए लेके जा रहे करके वो रोटी लेके श्रावस्ती से चल पड़े। रोटी लेके श्रावस्ती से खेतों की तरफ चल रहे थे कि वही समय में देख रहे सामने से तथागत बुद्ध भिक्षा पात्र लेके भिक्षा रहे थे। वो देखते ही वो उपासिका को इतना प्रसन्न हुआ, अरे मेरे सामने आज साक्षात तथागत बुद्ध आए, कोटि कोटि वंदन, ऐसे समय में कुछ दान देने को मिलता तो कितना अच्छा था, पर इतना गरीब दूं तो भी क्या करूं। फिर सोचते अरे तथागत बुद्ध को देने के लिए आज मेरे पास एक रोटी तो है ना, चलो मैं यही दान देता हूँ। फिर सोचते हैं अरे मैं ये रोटी दान दूंगा तो खेतों में सुबह से काम कर रहे मेरे पति भूखा है, क्या खाएगा, पति को भूखा रख के मैं कैसे दान दू, नहीं, मैं दान नहीं दे सकता। फिर सोचते हैं पहले हमने दान पुण्य नहीं किया था इसलिए ये समय में बहुत ही दरिद्र गरीब हुआ, और अभी भी दान नहीं करेंगे तो भविष्य में भी दरिद्र गरीब ही रहूंगा, भूखा हुआ तो एक दिन भूखा रहेगा, दान दिया तो न जाने कितने कितने समय के लिए वो पुण्य मिलेगा, ये धन संपदा मिलेगा, चलो दान देते हैं। फिर से इच्छा हुआ दान देने, फिर सोचते नहीं, कैसा भी हो है तो एक रोटी भी दान दिया तो मेरे मुखे पति गुस्सा करेंगे, चिचिरा करेंगे, कुछ भी नहीं, फिर क्या कहेंगे, इससे क्या पुण्य होगा, जाने तो आज नहीं देंगे। फिर सोचते हैं स्वयं तथागत बुद्ध सामने आ रहे, दान देने के लिए विशेषकर तीनों गुण धर्म परिपूर्ण होना चाहिए, दान देने की श्रद्धा होना चाहिए, उस समय उपासिका में दान देने की श्रद्धा है, श्रद्धा के साथ साथ दान देने की वस्तु भी होना चाहिए, उस समय उपासिका के पास एक रोटी है दान है। और तीसरा अंग है दान देने वाला व्यक्ति चाहिए, और उस समय तो स्वयं तथागत बुद्ध सामने थे, तो दान देने की श्रद्धा भी है, दान देने के लिए एक रोटी भी है और स्वयं तथागत बुद्ध भी वहां पे उपस्थित थे, तो उसको लगा कि दान तो देना ही चाहिए, दान होगा। फिर सोचते हैं नहीं, यही रोटी तो है, बाद में और खाने को कुछ भी नहीं है, मैं क्या लेके जाऊं, नहीं, देंगे, कभी सोचते दान देता हूँ, कभी सोचते नहीं दान नहीं दे सकते, बहुत मन में दूं ना दूं ऐसा होता रहा। वास्तव में दान देना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, दानंस युद्धंस समान आहु, दान देना और लड़ने के युद्ध जितना समान है, लड़ने में युद्ध जितना आसान है क्या, चारों लाखों सैनिकों से लड़ाई करके उन लोगों को जीत के विजय हासिल करना बहुत ही मुश्किल है, उसी तरह दान देना भी आसान नहीं है, मन के लोभ चित्त को दमन करके, लोभ लालच को दमन करके, मन में श्रद्धा चित्त, मन में त्याग चित्त उत्पन्न करके दान देना बिल्कुल आसान नहीं है। तो वो उपास का भी भगवान बुद्ध को आते हुए देख के कभी सोचते हैं दान देना ही चाहिए, कभी सोचते हैं दान नहीं दे सकता, एक ही तो रोटी है, तो ऐसा तो होते 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 अंत तो वो जीत गई। वो उसने सोची कि दान तो देना ही है, दान देने से अनंत समय तक हमारा कल्याण होगा, दान तो देना ही है, पर एक रोटी ना सही आधा रोटी दान देती हूँ। उसने रोटी को आधा किया, आधा अपने पति के लिए रखा, आधा तथागत बुद्ध के पात्र में दान दिया,
तथागत प्रसन्न होके सुखी हो, आशीर्वाद दे। तो वो आशीर्वाद प्राप्त करके वो उपासिका इतने प्रसन्न हो गई, इतने खुशी हो गई कि मतलब रोम रोम रोमांच होने लगा, शारीरिक मानसिक प्रीति उत्पन्न होने लगा। तथागत बुद्ध को गोदी गोदी वंदन करके वहां से अब खेतों की तरफ चल दिए। तो चलते चलते उसके मन में बहुत प्रसन्नता आ रहा था और खेत में पहुंच गई, कहीं अपने पति गुस्सा न करे, तो उसने आज रास्ते में ऐसे ऐसे हुआ, तथागत बुद्ध को आधा रोटी दान दिया, ये रोटी आपके लिए करके दिया। तो उसके पति ने भी अभी इतना है ना, अपने बीवी है कुछ सुख सुविधा नहीं दे पाए, आज दान दिया, ठीक है करके वो आधा रोटी लिया। फिर वो उसके बीवी प्रसन्न होके बोलती है, पता नहीं आज तथागत बुद्ध ने मुझे सुखी हो करके आशीर्वाद दिया। फिर उसके पति पूछती है, क्या बोले, तथागत बुद्ध ने सुखी हो करके आशीर्वाद दिया। फिर उसके पति, अच्छा ऐसा बोला क्या, ठहरो मैं अभी बुद्ध को मिल के आता हूँ। उसने वहां से तथागत बुद्ध के पास चले, तब तक तथागत बुद्ध बिहारी पहुंच चुके थे। वो बिहार तक पहुंच के और बुद्ध को मिल के, भगवान आज ऐसे ऐसे समय में इस जगह पे एक महिला ने आधा रोटी दान दिए थे। तो बुद्ध ने कहा, हाँ दिया था, तो आपने क्या बोले, सुखी होकर के आशीर्वाद दिया। तो वो उपास कहते हैं, भगवान ये आपने सही नहीं बोले, ये आपने असत्य बोले, हाँ दूसरों को ठगने वाली बात हो गया। कहाँ ये श्रावस्ती नगर में 54 करोड़ धन खर्चा करके जेठवन बुद्ध विहार दान देने वाले अनाथ पिंडित महाजन वो भी सुखी हो, कहाँ वही श्रावस्ती नगर में 27 करोड़ धन खर्चा करके पूर्वारा विहार दान देने वाला वो विशाखा महाउपासिका वो भी सुखी हो, और आधा रोटी दान देने वाला वो भी सुखी हो। उसके सामने आधा रोटी, पहाड़ के सामने एक तिल जितना, इतने कम दान देने वाला भी सुखी हो, ये सही नहीं है, ये आपने असत्य बोले। तथागत बुद्ध करुणावान बेचारे को समझाना है, तथागत बुद्ध उससे पूछते हैं, उपासक तुमने कभी बहुत बड़े लहर या वट वृक्ष ऐसा देखा है क्या? तो उपासक कहते हैं, इस तरह का पेड़ तो बहुत देखा है, हम जहाँ खेतों में काम करने जाते हैं वहां तो कितना है कितना है। तथागत बुद्ध पूछते हैं, अच्छा वो बड़े बड़े पेड़ों का बीज पता है क्या? हाँ पता है, कितना होगा, छोटा होगा। तथागत बुद्ध पूछते हैं, छोटा होगा, इतने बड़े पेड़ का बीज तो इतना इतना बड़ा होना चाहिए ना, छोटे कैसे? तो वो पास कहते हैं, भगवान पेड़ कितना भी बड़ा हो पर बीज तो छोटा ही रहेगा ना। बुद्ध पूछते हैं, छोटा ही है क्या? छोटा छोटा छोटा। कहते हैं, उपासक जिस तरह बड़े बड़े पेड़ों का बीज एक छोटा सा ही रहता है, उसी तरह दान भी कितना ही छोटा क्यों ना हो पर उसमें श्रद्धा जितना त्याग जितना तो उसके पुण्य बहुत बड़ा बड़ा होगा, बहुत ज्यादा ज्यादा होगा। तथागत इस तरह से समझाते हैं तो बात सबको समझ में आता है, अच्छा ऐसा है क्या, अच्छा इसलिए भगवान बुद्ध ने मेरे पत्नी को सुखी होकर के आशीर्वाद दिया, भगवान ने समझ लिया करके वंदना करके वहां से चल दिए। मतलब दान श्रद्धा चित्त से त्याग चित्त से दिया तो उसका पुण्य बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत बहुत ज्यादा मिलता है। श्रद्धा चित्ता त्याग चित्त नहीं रहा तो उसका पुण्य बहुत ही कम मिलता है।
इसलिए हमेशा श्रद्धा चित्ता त्याग चित्त से दान देना चाहिए। वो आधा रोटी दान देने वाली उपासिका भी तथागत बुद्ध के सुखी हो आशीर्वाद प्राप्त कर बैठे। इसलिए हमेशा दान तो देना है, दान देना पुण्य है, पर श्रद्धा चित्ता त्याग चित्त से दान देना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जब इस दुनिया में मंगल का उपदेश दिया तो वही मंगल में तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं, दानं च धम्मचर्या च ये तं मंगलमुतम। दान देना, धम्माचरण करना ये मंगल है, मतलब दान देना ये भी मंगल है। दान देने से हमें अनेक अनेक कुशल कर्म होता है, अनेक अनेक पुण्य होता है। दान देने से सबका प्रिय बनता है और दान देने वाले उपासक उपासिकाएं अपने अनुभव कहते हैं कि जब जब उन लोगों ने दान दिया, जितना दान दिया उससे ज्यादा मेरा नेक कर्म से प्राप्त हो गया। और ये भी अनुभव है जिसमें मैंने अभी दान नहीं, बाद में दूंगा करके जो संकलन करके रखते हैं, पैसा जमा करके रखते हैं, और उन लोगों के वो पैसा कहाँ कहाँ से खत्म हो गया पता ही नहीं। कहीं एक्सीडेंट हो रहा है उसी में पैसा गया, कहीं गाड़ी ठोक गया उसी में पैसा गया, कहीं ये हो गया वहां हो गया, कहाँ कहाँ से पैसा खत्म होता है पता ही नहीं चलता। इसलिए दान देना बहुत अच्छी बात है, दान देना बहुत ही पुण्य कार्य है। पर हमेशा एक चीज ये भी याद रखना है, तथागत बुद्ध कहते हैं पन्यावंतस्य अयम नमो, ये नमो प्रज्ञावानों के लिए है। दान भी प्रज्ञा पूर्ण रूप से दान देना है, ऐसा नहीं कि दान देना है दान देना है ऐसा। आप लोगों ने उपदेश सुना, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है चलो तो दान देता हूँ। हाँ आप कहीं जाके बिहार में जाके मंत्री के पास जाके, पंडित ये मेरे घर का पेपर, ये मेरे खेत का पेपर, ये मेरा बहन दान है, ऐसा सब के सारे दान दिया तो कल से क्या करेंगे, भीख मांग के खाएंगे। हाँ इसलिए दान भी प्रज्ञा पूर्ण रूप से दान देना चाहिए, श्रद्धा चित्त से दान देना चाहिए, हैसियत को देखते अपने क्षमता को देखते हुए दान देना चाहिए। जितना हम दान दे सकते हैं उतना देना चाहिए, ऐसा नहीं कि सारा का सारा दान दे के हाँ कल से भीख मांग के खाए, ऐसा भी नहीं। इसलिए प्रज्ञा पूर्ण रूप से दान देना चाहिए, सही जगह पे सही समय में दान देना उसका पुण्य बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए दान देना चाहिए। एक वो संस्कृत में एक गाथा भी है, एक गाथा उस तरह भी आता है, परोपकाराय फलम की वृक्षा, ये जो वृक्ष है पेड़ है उसमें जो फल लगता है उसको के लिए परोपकार के लिए, हाँ खुद के पेड़ में फल आया करके वो पेड़ कभी खुद नहीं खाते, दूसरों के लिए है। उसी तरह परोपकाराय वहन्ति नद्या, जो नदी बहता है वो भी दूसरों के लिए, दूसरों के उपकार के लिए। परोपकाराय दोहन्ति गावो, ये गाय अपना दूध दे रहे हैं वो भी दूसरों के लिए, दूसरों के उपकार के लिए। उसी तरह परोपकाराथ मिदम शरीरम, ये शरीर भी परोपकार के लिए समर्पित है। हाँ मैं भी परोपकार के लिए समर्पित रहूंगा, मतलब जिस तरह वृक्ष परोपकार के लिए फल देते रहते हैं, जिस तरह नदी दूसरों के लिए बहते रहते हैं, जिस तरह गाय दूसरों के लिए दूध देती रहती है, उसी तरह ये शरीर भी परोपकार के लिए समर्पित होना चाहिए। जब भी मौका मिले तब तक परोपकार करते रहना चाहिए। तो
हमें ये चीज हमेशा याद रखना है, दूसरों का उपकार करना, दूसरों को सहयोग करना, दूसरे के लिए दान पुण्य करना, ये बहुत अच्छी बात, पुण्य है, कुशल है। पर कम से कम दूसरों को उपकार नहीं कर सके या दूसरों को उपकार नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम दूसरों को बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए, अपने शरीर से बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए, अपने वाणी से दूसरों को बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए, अपने मन से दूसरों को बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए। ये भी पुण्य है, कर सके तो परोपकार करो, नहीं कर सके तो कम से कम बिना बाधा मत पहुंचाओ। तो दान देना बहुत अच्छी बात है, कुशल पुण्य भी है, और तथागत बहुत जगह पे दान का उपदेश देते भी है। जब 10 पारमिता की बात आता है, सबसे पहले दान पारमिता का ही बात आता है कि अपने पास जो भी है दूसरों को दान देना, ये दान पारमिता, अपने शरीर का अंग प्रत्यंग भी दूसरों के उपकार के लिए दान देना, ये दान को पारमिता, और शरीर त्याग करके या अपना जन्म प्राण अर्पण करके मर के भी दान देना, ये दान परमार्थ पारमिता। तो दान का बहुत ही उपदेश देते हैं, दान सभी गुण धर्म में ये प्रारंभिक गुण धर्म है। दान देंगे तो शील भी पालन कर पाएंगे, आगे बढ़ के ध्यान साधना कर पाएंगे, आगे बढ़ के प्रज्ञा वृद्धि कर पाएंगे। दान एकदम प्रारंभिक गुण धर्म है, दान देना ही चाहिए। महाराज ने तथागत बुद्ध दान देना चाहिए इस विषय में खूब उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के श्रावक शिष्य भिक्षु भिक्षुणियां भी दान के विषय में खूब उपदेश देते हैं। तो बुद्ध के समय में एक बार ऐसा भी हुआ कि अभी बुद्ध का इतना प्रशंसा हो रहा था, इतने उपास उपास का बोल रहा था, बुद्ध को न जाने वाले भी वहां बहुत मतलब हो रहा था, पहले अनेक काम मानने वाले अपने धर्म के लोग भी बुद्ध के शरण में गए, तो उन लोगों को तो घाटा हो गया, तो वो कैसे बुद्ध को बदनाम करूं ये सोच के बैठे थे। तो उस समय उन लोगों ने अभी तथागत बुद्ध की बदनामी शुरू कर दिया कि तथागत बुद्ध केवल लेने की बात करते हैं, दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, लोगों को सिर्फ दान देने के उपदेश देते हैं, केवल लेने लेने के उपदेश देते हैं, और बुद्ध के श्रावक शिष्य भी वैसे ही उपदेश देते करके खूब बदनामी करने लगे, और बदनामी इतना फैल गया कि श्रावस्ती कौशल देश के राजा प्रसेनजीत ने भी ये सुन लिया, तो ये सुना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो भी बुद्ध के उपासक थे और वो जानते थे तथागत बुद्ध लोगों के हित उपकार के लिए उपदेश देते हैं, और लोग बदनामी कर रहे। चलो इस विषय में अभी स्पष्ट करना जरूरी है। तो तथागत बुद्ध ने कौशल देश के राजा ने तथागत बुद्ध को एकदम भरी सभा में निमंत्रण दिया, लोग भी वहां जमा किया, और सारे लोगों के सामने कौशल देश के राजा प्रसेनजीत तथागत बुद्ध से पूछते हैं, भगवान आप दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं, आपके श्रावक शिष्य भिक्षु भिक्षुणियां भी दान देना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं, वास्तव में दान कहाँ देना चाहिए, कहाँ दान देना चाहिए। उस समय तथागत बुद्ध ये नहीं कहते अभी दान कहाँ देना चाहिए, दान तो मुझे देना चाहिए, या भिक्षु संघ को दान देना चाहिए, या भिक्षुणी संघ को दान देना चाहिए, या विहारों में दान देना चाहिए, ऐसा नहीं कहते। तथागत बुद्ध कहते हैं यत्र चित्त पसीदति तत्र दातव्यम्। जहां आपका मन प्रसन्न होगा, जहां दान दे के आपको संतुष्ट होगा, वहां दान तथा के ये जवाब सुन के पहले ही जवाब में सारा बदनामी केवल झूठा है ये साबित हो गया, क्योंकि तथा हम सिर्फ खुद के लिए या भिक्षु भिक्षुणी के लिए या विहार के लिए दान दो नहीं कहते, दान का देना है जहां अपनी इच्छा हो वहां दान, कोई कोई भिखारियों को देते हैं,
कोई अपने अपने धामों में दान देते हैं, कोई कोई पशु पक्षियों को दान देते हैं, कोई कोई किसको देते हैं, किसको देते हैं, जहां देंगे अच्छा लगता हो। दान कहाँ देना है? जहां मन प्रसन्न हो वहां दान। फिर कौशल देश के राजा प्रसेन जी फिर एक बार तथागत से पूछते हैं, भगवान कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा? उस समय तथागत कहते हैं, महाराज ये पहले का प्रश्न और ये अभी का प्रश्न बहुत ही फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ दान देना है? जहां इच्छा हो वहां दान दे सकते हैं, मगर कहाँ दान देने से पुण्य मिलेगा, कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा? तो इस विषय में तथागत बताते हैं, जहां गुणवान शीलवान व्यक्ति है ऐसे जगह पे दान देंगे तो उसका पुण्य ज्यादा मिलेगा। जो दुष्टिल है, जो गलत काम हुई वो दान उपयोग करता है, ऐसे जगह में दान दिया तो वो कम मिलता है पुण्य, मगर जहां उसका अच्छे से सदुपयोग हो, जहां शीलवान गुणवान हो ऐसे व्यक्तियों को दान दिया तो उसका पुण्य बहुत ज्यादा मिलता है। उस समय तथागत श्रीमान गुणवान को दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा। जो तथागत बताते हैं, बुद्ध के वही जो उपदेश मिलिंद प्रश्न ग्रंथ में भी आता है। राजा मिलिंद अर्क भिक्खु नागसेन से यही प्रश्न करते हैं कि कहाँ दान देने से ज्यादा मिलेगा। वहां और स्पष्ट रूप से अर्क भिक्खु नागसेन भी बताते हैं कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा। ध्यान से सुनिए, यह हमारे लिए भी बहुत ही लाभदायी और उपयोगी है। कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा? पशु पंछियों को भी दान देते हैं। हाँ, कोई पालतू जानवरों को दान देते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, कोई पंछियों को दान देते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, उसमें भी पुण्य है। पशु पंछियों को दान देते हैं, हाँ उसका भी पुण्य है। सैकड़ों हजारों पशु पंछियों को दान देने से भी पूरे से पूरे एक इंसान को दान देना उसका पुण्य ज्यादा है, क्योंकि इंसान विवेकशील प्राणी है। इंसान विवेकशील प्राणी है, दूसरे प्राणी कहीं भी कुछ भी रास्ते का भी खा सकते हैं पशु पंछी, पर इंसान नहीं खा सकता, विवेकशील प्राणी है, इसलिए विवेकशील प्राणी को दान दिया उसका पुण्य ज्यादा। फिर सैकड़ों हजारों बुरे से बुरे इंसानों को दान देने से भी एक अच्छा बनने के प्रयास कर रहे एक इंसान को दान देना उसका पुण्य ज्यादा रहता है। फिर सैकड़ों हजारों अच्छे बनने की कोशिश कर रहे इंसानों को दान देने से भी एक अच्छे इंसान, एक शीलवान गुणवान व्यक्ति को दान देना उसका पुण्य ज्यादा रहता है। फिर जो शीलवान गुणवान है ऐसे हजारों व्यक्तियों को दान देने से भी जो दुख मुक्ति का मार्ग फल, उसमें भी पहला मार्ग फल श्रोतापत्ति फल में पहुंचे हुए व्यक्ति को दान देना उसका पुण्य ज्यादा है। सही करो श्रोतापत्ति फल में पहुंचे हुए व्यक्ति को दान देने से भी जो प्रकृतागामी फल दुख मुक्ति का दूसरा मार्ग फल में पहुंचे हुए व्यक्ति को दान देना उसका पुण्य ज्यादा रहता है। सैकड़ों हजारों सकृदागामी फल में पहुंचे हुए व्यक्ति को दान देने से भी जो अनागामी दुख मुक्ति का तीसरा मार्ग फल में पहुंचे हुए व्यक्ति को दान देना उसका पुण्य ज्यादा है। सैकड़ों अनागामी फल प्राप्त व्यक्तियों को दान देने से भी जो अनंत हो चुके हैं, जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, जो दुख मुक्त हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति को दान देना उसका पुण्य ज्यादा रहता है। और ऐसे सैकड़ों अगर व्यक्तियों को दान देने से भी जो प्रत्येक बुद्ध है उसको दान देना उसका पुण्य ज्यादा है।
और प्रत्येक बुद्धों को दान देने से भी सम्यक समुद्र दान देना उसका पुण्य इतना उतना ही नहीं बहुत बहुत ही ज्यादा रहता है। मतलब समय संबंध को दान देने का फल बहुत ही ज्यादा रहता है। दान का फल कहाँ है? पशु पंछियों को भी दान दे सकते हैं, उसका भी पुण्य है, उससे भी इंसान, और इंसान से भी जो अच्छे बनने की प्रयास कर रहे हैं ऐसे इंसान को दान देना, और उससे भी जो अच्छे इंसान है उसको दान देना उसका पुण्य ज्यादा, उससे भी स्वर्गापति सकितागामी अनागामी अरहंत हो चुके इंसान को दान देना उसका पुण्य ज्यादा है, उससे भी प्रत्येक होता और उससे भी सम्यक संबुद्ध, सम्यक संबुद्ध को दान देने का फल इतना उतना ही नहीं बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए महाकाव्य तथा अपने काल में लोगों के घर घर में भोजन जाने से भी घर घर के सामने भिक्षा कम जाते थे। अगर लोगों ने एक चम्मच कोई खाना भी दिया तो उसको बहुत ज्यादा पुण्य मिले, इसलिए तथागत ऐसे भिक्षा कम जाते थे, लोगों को ज्यादा पुण्य मिले। हाँ, तो इसलिए दान कहाँ पे दान देना है, जहां इच्छा हो वहां दे दो, जहां दान देने से आपको अच्छा लगता है वहां दान दो, मगर कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा? जहां उसका उपयोग ज्यादा हो, जहां उसका यूटिलाइज अच्छे तरह से हो, ऐसे सिलवान गुणवान जगह पे दान देंगे तो उसका पुण्य बहुत ज्यादा। दान देते समय ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं ये दान दे रहा हूं, हाँ मेरे लिए हुए दान क्या करता है, मैं पीछे पीछे जाके देखता हूँ करके उसके पीछे पीछे लगे रहना, ये दान नहीं है। दान दिया दिया बस हो गया। अभी दान देने के बाद ऐसे त्याग चित्त होना चाहिए कि दे ही उसका आसक्ति खत्म होना चाहिए, अब वो सामने जो करे करे, हमने तो दान दे दिया, हमारा पुण्य तो हो गया, हमारा लोभ तो दमन हो गया। मगर आप कहीं भी चाहे बिहारों में ही या कहीं भी जगह पे आप दान दे रहे, हाँ मैंने वो 1 लाख रुपए दान दिया था, वो 1 लाख रुपए क्या किया क्या नहीं किया मुझे बताओ, उसका हिसाब किताब दो, हाँ या क्या क्या कर रहे उसके पीछे पीछे जाके देखते रहना, ऐसे किया तो शुद्ध दान नहीं होता। दान देते ही एकदम श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देना चाहिए, अपने से दूर होना चाहिए, उसका आसक्ति नहीं रहना चाहिए, उसका लोभ नहीं रहना चाहिए। चाहे हम कहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या यहाँ वहां जाते समय वहां भीख मांगने वाले भी आते हैं, अब दान देना नहीं देना आपके हाथ में, पर आपने दान दे दिया, चलो 100 रुपया दान दिया, और आप उसके पीछे पीछे देखने जाएंगे कि उसने क्या किया क्या नहीं, हो सकता है वो शाम को जाके दारू पिए बियर पिए, हाँ या वो गलत जगह पे प्रयोग करे तो क्या, अरे मैंने बेकार में दान दिया करके पछतावा करके रहेंगे क्या? नहीं, दान दिया आपका पुण्य हो गया, उससे आगे नहीं जाने, श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देना चाहिए, वही दान महान होता है। इसलिए बौद्ध जगत में दान का महत्व बहुत ज्यादा है, दान प्रारंभिक गुणधर्म है, दान के बिना आप अच्छे से न शिल पालन कर पाएंगे न समाज में आगे बढ़ पाएंगे, दुख मुक्ति के लिए भी ये दान होना बहुत जरूरी है, तब तक दान पारमिता पूर्ण नहीं होगा तब तक कोई भी व्यक्ति दुख मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में जब जब जहां जहां जिस तरह से दान देने का मौका मिले हमें दान देना चाहिए, कोई हमारे पास दान लेने के लिए आ रहे, अरे यहाँ भी दे दिया वहां भी दे दिया फिर यहाँ से मांग रहा है, मैं तो एकदम हैरान हो गया क्योंकि गिरते नहीं होने का, दान लेने वाले नहीं दान देने वाले मेरा, तो इसलिए स्वर्गवान उपास उपासिका है, हमें भी जीवन में खूब अच्छे से दान देना है, श्रद्धा पूर्वक दान देना है, त्याग चित्त से दान देना है, और श्रद्धा पूर्वक त्याग पूर्वक दान देकर पुण्य कर्म संचय करते हुए
दूसरे बहुत सारे गुण हमें भी विकसित करते जाना है, दुखमुक्त मार्ग पे चलते जाना है। ये दुर्लभ यह मुद्रा सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल साकार बनाना है। तो हम इस समय में यही कामना करते हैं कि संपूर्ण श्रद्धा संपन्न उपास उपासिकाएं जीवन में दान के विषय में जान के अपने श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से अपने क्षमता और ऐसे के हिसाब से निरंतर दान देते देते पुण्य कार्य नाम कार्य में आगे बढ़ सके, जीवन में खूब सारा पुण्य नाम करते हुए ये दुर्लभ यह अमूल्य ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए सार्थक बनाए ऐसी कामना करते हुए आज का ये धर्मदेशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सर्वमंगलम्।